आज जेईई का पेपर 8 अप्रैल 2023 सुबह के स्लॉट के बच्चे का अपन पता कर रहे हैं कैसा पेपर आया, क्या रहा? बोलो बच्चे, बताओ कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा, बस थोड़ा लाउडली बोलो भाई। पेपर अच्छा रहा, मैथ्स थोड़ा लेंदी आया था, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था और केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड आई थी। और क्वेश्चंस मतलब पुराने प्रैक्टिस किए थे उससे कुछ बने? हाँ, क्या पीवाई की उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, मतलब एडवांस वाले, मेंस वाले? मेंस वाले। और बाकी जूनियर्स को क्या सलाह दोगे? पिछले दो दिन का प्रैक्टिस करके गए थे क्या? पिछले दो दिन का प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो उसका कुछ फायदा मिला? केमिस्ट्री में बहुत सारे आए जनवरी अटेम्प्ट। वेरी गुड वेरी गुड। और अब क्या अपने हिसाब से क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पीवाईक्यू हमेशा करके जाना है। हाँ, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करनी है। कोई खास क्वेश्चन जिसने मुंह चिढ़ाया हो, परेशान किया हो? मैथ्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ, कौन सा चैप्टर दुखी कर गया? खासकर की 3D और वेक्टर। 3D वेक्टर बहुत लेंदी क्वेश्चन। ओहो, और 2D बना बच्चे? हाँ, 2D बन गया। और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर बता दो जिसने परेशान किया, मुंह चढ़ाया। केमिस्ट्री में तो फिजिकल से थे। हाँ, काइनेमैटिक्स के मैंने ग्राफ्स नहीं किए थे तो वो ग्राफ्स में मेरे को प्रॉब्लम हुई। हाँ, और फिजिक्स में ऐसे। तो तुम ओवरऑल कितने अटेम्प्ट करके आए? 45 किए हैं, यानी कि भगवान करे सारे सही हो जाए तो 180 नंबर आएंगे। और कुछ तुक्के वुक्के मारे क्या? दो मारे हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड थे, 50-50। भगवान करे आपके वो दोनों सही हो जाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? टेको क्लासेस वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कभी हमारे चैनल से कुछ पढ़ा? जी, एक बार मैंने पढ़ा था मैथ्स का। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? मेरे को याद नहीं है अच्छे से, लेकिन मेरे को आपका वो हाई प्यार है जो आप बना देते हैं। हाँ, प्लान पसंद है, टाइम टेबल पसंद है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट प्यारे, भगवान करे आपको मनपसंद जगह मिले, सिलेक्शन मिले, ब्रांच मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।